दुनिया में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट जिसमें स्विट्जरलैंड की टोब्लेरोन से लेकर पोलैंड की M&M तक शामिल है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी है नंबर वन चॉकलेट। तो चलिए भाई लिस्ट की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले 10वें नंबर की चॉकलेट से जो आई है स्ट्रेट फ्रॉम पोलैंड। मैन्युफैक्चर भी इंडिया में नहीं होती, ये इम्पोर्ट भी यूरोप से ही हुई है पोलैंड से और इसका नाम है M&M। 40 ग्राम की ये चॉकलेट 100 रुपए की है। So freaking costly। साथ ही साथ ये ऐसी इकलौती चॉकलेट है जो स्पेस में जा चुकी है और इस जैसी एक इंडियन चॉकलेट आती है जिसका नाम आप गेस कर सकते हो तो बताना। ये देखो कुछ ऐसी दिखती है M&M की चॉकलेट्स। चलो रियली टेस्टी यार। और ये जो अपना इंडिया वाला प्रोडक्ट है ना उससे तो काफी ज्यादा रिच और क्वालिटी की चॉकलेट लग रही है। नंबर 9 की चॉकलेट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस चॉकलेट का नाम है मार्स। ये कोई स्पेस वाला मार्स नहीं है बल्कि ये चॉकलेट का ब्रांड है मार्स। और ये कोई नया ब्रांड नहीं है, 100 साल पुराना ब्रांड है जिसका ओरिजिन हुआ था नीदरलैंड में। मोस्टली जितने आप चॉकलेट के ब्रांड्स देखोगे ना जो कि हम आज की लिस्ट में लाए हैं जो कि टॉप सेलिंग इन द वर्ल्ड है, वो सारे के सारे यूरोप से ओरिजिन रखते हैं क्योंकि जर्मनी के बेल्जियम में ही आपको एक्चुअल कोको बीन्स जाती है जहां पर इतनी रिच चॉकलेट फॉर्म होती है। मेरे ख्याल से यूरोप इज द हब ऑफ चॉकलेट्स। इसका प्राइस करीब करीब 100 रुपए से भी ऊपर था एक सिंगल बार का। कुल अपनी इंडियन 5 स्टार जैसे अंदर कैरेमल की फीलिंग है। ट्राई करते हैं भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ इनको खागे लगता है कि कुछ खाया है यार। 125 रुपए की चॉकलेट है, बहुत ही कॉस्टली बार है, बट आप ये एक बार खाओगे ना तो ये आपको सैटिस्फाई कर देगी जो शायद 10-15-20 वाली चॉकलेट्स नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी अभी आपको दिखाते हैं 8वीं नंबर की चॉकलेट जो शायद और सैटिस्फाई कर। मेरे ख्याल से भाई इस वीडियो में ब्रेक लेने का समय आ गया क्योंकि हैव अ ब्रेक हैव अ किटकैट। तो 8वें नंबर की जो हमारी चॉकलेट है दैट इज द किटकैट बार। ये चॉकलेट अपने पहले शुरुआत के 5 सालों में ब्लू कलर की पैकेजिंग के साथ आती थी। इज़न्ट दैट फैसिनेटिंग। तो बेसिकली ये चॉकलेट स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट हुई है और किटकैट शब्द का मतलब भी होता है गुड लक। मतलब किसी को गुड लक बोलना है तो मतलब किटकैट। चलिए भाई ट्राई करते हैं। ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे को पता है मेरे बहुत ही सखी भाई बंधु को किटकैट बहुत ज्यादा पसंद है पर मुझे बहुत ही ओवररेटेड चॉकलेट लगती है। खराब हो जाएगा, मैं मम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वो इस पे टीवी स्टिक है, मेरे को नहीं खानी किटकैट। इसका 8वां नंबर बिल्कुल सही है। फिल्म बढ़ते हैं अपनी अगली चॉकलेट। जिस चॉकलेट को हम 7वें नंबर की चॉकलेट बोलेंगे उसको आप इस पैकेजिंग से ही पहचान सकते हो। इंडिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट खाई जाती है वो है अपनी कैडबरी की चॉकलेट जो कि इंडिया में इन्वेंट नहीं हुई। ना ना ना, इंडिया में कौन सी चॉकलेट लेकिन इन्वेंट हुई है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्रैडबरी की क्रैकल वाली चॉकलेट जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। रियली नाइस, रियली नाइस। अगली चॉकलेट में लेकर आया हूं जिसका एक सिंगल बार टेक अ रैंडम गेस 350। चॉकलेट ओरिजिनेट हुई है स्विट्जरलैंड में, मैन्युफैक्चर हुई है फ्रांस में, इंपोर्ट हुई है इंडिया में। ब्रांड का नाम है लिंडेट की एक्सीलेंस 70% कोको चॉकलेट, बहुत ज्यादा पॉपुलर। आज तुम दोनों फकीरों ने खाई है चॉकलेट? खाई है? मैंने तो खाई है, प्लेन में खाई थी। चार सौ रुपए की चॉकलेट कौन खाता है? चलो भाई जिसने खाई नहीं है वो एटलीस्ट देख लो ये चॉकलेट ऐसी दिखती है। रियल अमूल की डार्क चॉकलेट से थोड़ा आप इसका रिजेम्बलेंस ले सकते हो। टेस्ट करके मैं बताता हूँ कैसी है। कोकोआ बीन्स की काफी ज्यादा खटास है इसके अंदर बट मिठास भी काफी है। एंड का जो आफ्टर टेस्ट है वो बहुत कड़वा ही है। जो डार्क चॉकलेट खाने का शौक रखते हैं सिर्फ वही इसे एंजॉय कर पाएंगे। डार्क चॉकलेट में मुझे बॉर्नविल ज्यादा पसंद है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री इस ब्रांड के पास है। ये है हर्शीज की चॉकलेट जो ओरिजिनेट हुई है मलेशिया से और ये है दुनिया की 5वें नंबर की सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट। ये ओरिजिनल हर्शी चॉकलेट नहीं है बल्कि ये डार्क वाला वेरिएंट है इसका। आप में से किस किस को ये पसंद है जरा बताना कमेंट सेक्शन में। हम बढ़ते हैं अपने 4थे नंबर की चॉकलेट की। अगली चॉकलेट आपको दिखाते हैं जिसको आपने पॉपुलर टीवी सीरीज फ्रेंड्स में देखा था और फ्रेंड्स से याद आया मैथ्यू पेरी के बाद की खबर आप सबको मिल गई होगी। RIP सर, ही वॉज वेरी ग्रेट एक्टर एंड वी ऑल लव हिम। ये है टोब्लेरोन बार जो कि है स्विट्जरलैंड से। कुछ ऐसी दिखती है हमारी टोब्लेरोन बार। आय हाय 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 यार मेरे को एक बात बताओ, सारी चॉकलेट एक जैसी क्यों लगती है? मतलब ऐसा है कि आप इस दुकान पे टोब्लेरोन लेने जाओगे और आपको नहीं मिलेगी ना तो आप हर्शीज भी लाओगे तो आपको आस पास का टेस्ट मिल ही जाएगा। अगली चॉकलेट आपको दिखाते हैं, ये आई है नीदरलैंड से। इस चॉकलेट का नाम है ट्विक्स। दुनिया की 3रे नंबर की सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट है ट्विक्स क्योंकि नीदरलैंड में प्रोड्यूस ओरिजिन हुआ है जिसका। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसके अंदर कैरेमल है, इसके अंदर वेफर है, ऊपर मिल्क चॉकलेट है
अंदर कैरेमल है। समझ गया मैं क्यों ये इतनी ज्यादा पॉपुलर है। मोस्टली लोगों को वेफर बहुत ज्यादा पसंद आता है और चॉकलेट और कैरेमल सब कुछ अगर एक साथ चाहिए तो दिस इज चॉकलेट फॉर यू। दिस इज द थर्ड मोस्ट सेलिंग चॉकलेट इन द वर्ल्ड। अगली चॉकलेट हम लेकर आए हैं इटली से और ये चॉकलेट ऐसी चॉकलेट है जिसको अगर आप अपने रिश्तेदारों को दे दोगे ना तो आपके नंबर इतने बढ़ जाएंगे कि आपने सोची ना। गर्लफ्रेंड को दे देगा तो बेटा तेरे को वो मिल जाएगा जो तेरे को चाहिए उससे। इस चॉकलेट का नाम है फरेरो रोशर और ये चार पीस चॉकलेट के 160 रुपए के। इसके अंदर क्या होता है? न्यूटेला। ओहो, मुझे काफी ज्यादा मीठी लगती है, बड़े काफी पॉपुलर है, वंस इन अ वाइल तो काफी अच्छी लगती है। इसके बाद दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर चॉकलेट हंगरी ग्रैब स्निकर्स। ये है दुनिया की सबसे पॉपुलर चॉकलेट जो ओरिजिनेट हुई है पोलैंड में ही। इंडिया में तो बहुत लेट पहुंची है लेकिन ये उससे पहले दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी थी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है एक स्निकर्स बार। काफी कॉस्टली चॉकलेट होती है, बहुत सारा कैरमल होता है देन इसके अंदर। ये मुझे वंस इन अ वाइल ठीक लगती है पर फिर भी मुझे थोड़ी बहुत ओवररेटेड लगती है। क्या ये चॉकलेट नंबर वन स्पॉट डिजर्व करती है? और आपने इसे सही यस कर लिया था कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो आपके हिसाब से नंबर वन चॉकलेट इन द वर्ल्ड कौन सी होनी चाहिए वो भी बताना। बाकी मिलेंगे दोबारा आपसे। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर गाइस। और इस चॉकलेट का गिव अवे चाहिए तो मैसेज कर देना। ओके बाय।